मरेंगे हम लेकिन लड़के मरेंगे और ये सरकार को मारेंगे। ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा, जब तक ये काला कृषि कानून वापस नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। 7 महीना क्या 7 साल तक आंदोलन जारी रहेगा। आप जानते हैं कि सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों लोग मारे गए देश की आजादी में, वैसे ये होगा, ये सब कुछ होना ही है और होता रहेगा, लेकिन ये आंदोलन भी चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम लोगों को सफलता नहीं मिल जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जैक्सन। किसान बिल के खिलाफ लोग आज भी सड़कों पे उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में कई महीनों से किसान जो है वो डटे हुए हैं और आज मधेपुरा में जो किसान के जो नेता हैं वो सड़कों पे हैं, उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ से कलेक्ट्रेट जाएंगे वहाँ आखिर जो है किसान की जो मांग है आखिर वो क्यों नहीं सुलझ पा रही है, सरकार इनकी बातों को क्यों नहीं मान रही है, जिस कारण से किसान का जो गुस्सा है आज भी चरम पे है और वो आंदोलन कर रहे हैं। सर ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रमन कुमार, जिला अध्यक्ष बिहार राज्य किसान सभा मधेपुरा। तो लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कई महीनों से जो किसान दिल्ली बॉर्डर पे डटे हुए हैं, लेकिन बात नहीं सुनी जा रही है, ना सरकार आपकी बात को मान रही है और अपनी आपकी जो मांग है आप उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। वैसे हम किसान को जो है ये लोग मारने पे उतारू कर दिया है, मरेंगे हम लेकिन लड़के मरेंगे और ये सरकार को मारेंगे। ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा, जब तक ये काला कृषि कानून वापस नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। 7 महीना क्या 7 साल तक आंदोलन जारी रहेगा। वैसे हमें कम करके नहीं आके नौ जर्जर ही लहरों से टकराती तो है, नौ जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है। किसान आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती है। इनकलाब जिंदाबाद, बिहार राज्य किसान सभा मधेपुरा, रमन कुमार। कितनी शायरो शायरी आप लोग किए, सड़कों पे डटे रहे, कई जो किसान है उसकी पत्नी की जाने चली गई, किसान की मौत हो गई। आजादी की लड़ाई में, आजादी पाने में हमें सैकड़ों साल लगा, लाखों कुर्बानियां दी गई और ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। इसमें तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं, हम लड़ेंगे जब तक हम आजाद नहीं हो जाते हैं, किसान आजाद नहीं हो जाते हैं, हमारी आजादी लड़ाई अनवरत जारी रहेगा। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। तो बाकी अभी लड़ाई है और भी किसान के नेता है, उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए फिर एक बार, कोरोना काल खत्म तो नहीं हुआ है, चल ही रहा है, उसके बाद फिर आप लोग का जो गुस्सा है चरम पे। देखिए ये हमारा आंदोलन जो है तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये वापस नहीं। आपने देखा, इतिहास से शिक्षा भी लीजिए, भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ, विदेशी लोग थे, उसको भगाने में हमें समय लगा, ये तो देशी है, इसमें तो हमारे लोग भी हैं। तो ये चाह रहा है, और व्यवस्था का सवाल है, एक पूंजीवादी व्यवस्था और दूसरा समाजवादी व्यवस्था, यहाँ जितने भी लोग हैं वो समाजवादी व्यवस्था के प्रवर्तक हैं। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था में गरीब और गरीब होता है, अमीर और अमीर होता है। तो ये सरकार जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चल रही है ये तो पूंजीवादी व्यवस्था का है। अभी आपने कोरोना के बारे में जाना, फिर अगला तीसरा कहर आने वाला है, ये कोरोना क्या है? कोरोना के नाम पर जो इसको देश को बेचना था, BSNL बेचा, LIC बेचा, एयर इंडिया बेचा, भारत पेट्रोलियम बचा, सब कुछ को रेल को बेच दिया, बिजली को बेच दिया, एकमात्र बचा था कृषि, उसको भी ये बेच दिया है। उसी के खिलाफ में ये आंदोलन चल रहा है और चलेगा। इसको जो है फिर सितंबर से अक्टूबर तक लॉकडाउन लगाना है, जो चीज बचा हुआ होगा उसको समाप्त करेगा। ये आंदोलन जो है रुकने वाली नहीं है। आप जानते हैं कि सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों लोग मारे गए देश की आजादी में, वैसे ये होगा, ये सब कुछ होना ही है और होता रहेगा, लेकिन ये आंदोलन भी चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम लोगों को सफलता नहीं मिल जाती है। गणेश मानव सिंह, अपनी मांग को मंगवा कर ही रहिएगा, मांग को मनवा के ही नहीं रहेंगे, सरकार की मिट्टी पलीद करके रहेंगे, ये आपको कह रहा हूँ। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, 7 महीना हो गया है, इस आंदोलन के पीछे दो पंक्ति और सुनाऊंगा जिसको कि हम कहना जरूरी समझते हैं कि जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं देश अभी अराजकता की आग में जल रहा है, विधायिका देश बेचने पर तुली हुई है, ब्यूरोक्रेसी 90% करप्ट हो चुकी है, न्यायपालिका राज्यसभा में जाके बड़े अपराधियों के सामने सरेंडर कर दिया है, पुलिस के सामने कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, और मीडिया तो सोलाना बिक चुका है। अच्छा। तो ऐसे दौर अब एक आध अब्बाद से काम नहीं चलता है। मैं व्याकरण का भी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, पानी घी दही मोती जी से व्याकरण का निर्माण नहीं होता है, वो सिर्फ उदाहरण है, सारे इकारांत स्त्रीलिंग होते हैं,
पांच फर पुलिंग होने से नहीं काम चलेगा। तो देश अराजकता की आग में जल रहा है और इस आग में ये आंदोलन तपेगा और सरकार की मिट्टी पलीद होगी, कृषि कानून वापस होगा, MSP पर कानून बनेगा, ये हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं। सरकार कह रही है कि इस काले कानून से किसान को कोई दिक्कत नहीं है, किसान के हित में ये बिल है, लेकिन आप लोग जो है डटे हुए। सरकार तो पूरी तरह झूठ फरेब तिक्रम फ्रॉडिज्म पर चल रही है। अभी जो देश की सरकार है वो झूठ फरेब तिक्रम फ्रॉडिज्म इस शासन का आधार है। और जुमलेबाजी तो खैर अब बच्चा बच्चा जानता है कि केंद्र की सरकार सिर्फ झूठ ही बोलती है, तो सिर्फ झूठी सरकार है वो। और झूठा आदमी बहुत दिन तक लड़ाई नहीं लड़ सकता, सच्चा आदमी लड़ाई लड़ेगा, कुर्बानी देगा, लड़ाई की जीत होगी उसकी। झूठा आदमी क्या लड़ाई लड़ेगा, झूठ बोलने वाला मतलब 7 महीना से घटे हुए हैं जी, लेकिन उम्मीद है कि जीत आपकी पूरी तरह उम्मीद है कि जीत होगी, चूंकि आंदोलन संघर्ष कभी मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है। तो संघर्ष हमेशा जिंदा रहता है और इसी बातों को लेकर जो लोग हैं आज भी एक उम्मीद है, एक आस है कि इस जीत को हम हासिल करेंगे, इस जीत को हम जो जीत है वो मेरे हित में होगी। अजी क्या कहना चाहेंगे? सरकार हिटलर शाही रवैया अपना रही, देश का किसान परेशान है लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आंदोलन से इस सरकार पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और इसको मानना पड़ेगा कि नहीं, किसान का आंदोलन जायज है, किसान का आंदोलन होना चाहिए, किसान सही बोल रहा है। ये तीनों कृषि काला कानून में वापस लेना पड़ेगा, MSP पर कानून बनाना पड़ेगा। किसान के जो नेता देखिए, किसान विरोधी तीनों काला कानून वापस लो, MSP पर कानून बनाओ, मजदूर विरोधी श्रम लेबर कोड बिल कानून वापस लो, अखिल भारतीय किसान महासभा AIKMS जिला इकाई मधेपुरा, जो नेता है किसान नेता है लगातार डटे हुए हैं। आपने पिछले दिनों देखा किस तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, सरकार अपनी बातों पे अड़ी हुई है। अब बात बनती है या नहीं बनती है, या फिर ये जो आंदोलन है कितना लंबा चलता है, यह कह पाना बहुत मुश्किल होगा। एक तरफ सरकार इनकी बातों को नहीं मान रही है, ये सरकार की बातों को नहीं मान रही, तो लगातार जो ये आंदोलन है काफ़ी अब उग्र होता जा रहा है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे उतरे हुए हैं, डटे हुए हैं, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही। खैर, खबर आपको कैसा लगा? फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को लाइक कीजिए, YouTube चैनल पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर खबर